हेलो एवरीवन, साइमन दिसाड। आज हम बात करेंगे कि एयर शिपमेंट कैसे किया जाता है और ये वीडियो ए टू जेड आपको पूरी नॉलेज मिलेगी और प्लस आपको नए पॉइंट सीखने को मिलेगा। शायद ये आपके लिए नई चीज़ें हो सकती है, तो वीडियो प्लीज़ आखिर तक देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना सो दैट आई कैन क्रिएट मोर वीडियोज लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा कि टाइप्स ऑफ एयर कार्गो की कौन कौन सी सर्विसेज होती है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपको एयर शिपमेंट करना हो तो आपको उसकी सर्विसेज पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स की सर्विसेज होती है। सेकंड आता है आपका इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। थर्ड आता है आपका कॉस्ट कैसे लगती है एंड उसमें एडिशनल चार्जेस कैसे, लाइक एयरलाइंस कैसे चार्ज करती है, कौन कौन से एडिशनल चार्जेस होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एयर कार्गो। फिर आता है आपका कि एयर कार्गो के पैलेट्स एंड कंटेनर कौन कौन से होते हैं और इसमें पैलेट्स की पैकिंग कैसे की जाती है। तो मैंने कुछ पॉइंट बनाए ताकि कुछ चीज़ें स्किप ना हो। देखिए, जब भी आपको एयर शिपमेंट करना है तो आपको सबसे पहले दो चीज़ें याद रखनी है कि आपका कितना वॉल्यूम में आप काम कर रहे हो। मतलब कैसे, आप या तो आपको एयर कार्गो चूज़ करने पड़ेगा या तो बाय कुरियर। कुरियर में छोटे कंसाइनमेंट करते हैं, एकदम छोटे से छोटे पैकेट्स, और बाय और कार्गो में, एयर कार्गो में आपका एक वॉल्यूम में काम होता है। सो जब भी आप एयर कार्गो चूज़ कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन योर क्वांटिटी, इसमें चार चीज़ें आती है एयर कार्गो में सर्विसेज। एक तो होते हैं एक्सप्रेस सर्विसेज, सेकेंड आता है आपका स्टैंडर्ड सर्विसेज, थर्ड आता है आपका डेफर्ड एंड फोर्थ आता है चार्टर। जो एक्सप्रेस सर्विसेज होती है ना एयर कार्गो की, इसमें वो फास्टेस्ट होती है बट बहुत एक्सपेंसिव चली जाती है वो साइड। ठीक है, अब गारंटीड है कि वो जितना भी एक्सपेक्टेड टाइम देते हैं आपको, या तो एक दिन या दो दिन में पहुंचा देंगे, तो मतलब आपको बाय हुक और बाय क्रूक आपको प्रोवाइड कर ही देंगे, तो इसे बोलते हैं एक्सप्रेस सर्विसेज। सेकेंड आती है आपकी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ही मोस्ट कॉमनली यूज सर्विस है, जहाँ पे आपको एक इसमें चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो कंसाइनमेंट है वो शायद एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक उसको रुकवाना पड़े, मतलब चेंज हो जाए। और ये ट्रांसफर में कैसे कि एक एयरलाइन से एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट, प्लस स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आपके एक एयरलाइन से दूसरे एयरलाइन में भी आपका कंसाइनमेंट जा सकता है। डेफर्ड होता है ये वो तब काम करता है जब आपका प्रायोरिटी ऐसा ना हो कि एकदम से आज के आज ही पहुँचना चाहिए, मतलब आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, उस टाइम आप डेफर्ड जरूर यूज़ करना, क्योंकि इसमें हायर साइड पे प्रायोरिटी नहीं होती आपकी कि एकदम गिवन टाइम पे जाना ही जाना है। ये तब होता है कि जब भी आपके एयरलाइन में स्पेस अवेलेबल हो, या तो उस हिसाब से आपको मिलता है। अब इसमें क्या है, ये सबसे बेस्ट वे है कॉस्ट सेविंग करने का, बट प्रॉब्लम इज़ कि आपका ट्रांजिट टाइम बढ़ जाएगा। बट आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको एकदम से अर्जेंटली बेसिस पे नहीं भेजना है। अब इसमें क्या होता है कि लोअर कॉस्ट भी होता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम पे रुकता ही है, पहला पॉइंट। और मोस्ट प्रोबेबली मल्टीपल स्टॉप होते हैं, मल्टीपल एयरलाइंस भी यूज़ हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डेफर्ड। अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, सबसे बेस्ट वे पे आपको डेफर्ड पे यूज सर्विस कर सकते हैं। एक होता है चार्टर। चार्टर मतलब होता है कि अर्जेंटली बेसिस पे। इंडिया का कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम मिलेगा फॉरेन कंट्री में। देखिए, आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है, डजंट मीन कि सिर्फ आपको एक्सपोर्ट करना है, इंडिया से ही चीज़ें देखनी होती है। इट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड, कि कहाँ पे आप क्या सर्विसेज किसको, बायर को कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि यू हैव टू एजुकेट योर बायर्स एज वेल। तो चार्टर में क्या होता है कि सबसे एक्सपेंसिव यही है, सबसे एक्सपेंसिव, क्योंकि आप चार्टर प्लेन के टाइप में आप बाय करते हो और अपने गुड्स वहाँ पे पर्सनल लेवल पे आप बेचते हो। ठीक, दूसरा आता है आपका एयर कुरियर। ये तो आपको मैंने बता दिया था सारे पॉइंट्स कि एयर कार्गो का। अभी बात आती है एयर कुरियर कैसे करते हैं। मैक्सिमम टाइम हम कौन से यूज़ करते हैं, DHL हो गया आपके, UPS हो गया, FedEx हो गया। अब इसमें भी क्या है कि अगर आपका पार्सल 45 kg से नीचे है, तब आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। अब इसमें भी एक प्रोविजन, एक ट्रिक से वो आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि जब आप इन कुरियर सर्विसेज को करना है तो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी कैसे बचा सकते हो बाहर करना, ये आने वाला इसका पार्ट है। अब है कि इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, आप बाय एयर कभी भी काम करोगे, सबसे मेन एडवांटेज है इसका स्पीड, मतलब ट्रांजिट टाइम आपको बहुत जल्दी पहुंचा देगा, मतलब गिवन टाइम में कभी कभार 1 से 3 दिन भी लगता है। ठीक है, और अगर आप बाइक लाइक बहुत सारे मल्टीपल सर्विसेज कर रही है, तो ऐसे डेस्टिनेशन कंट्री है, तो इट विल टेक टाइम, लाइक 5 से 10 दिन भी जाता है, बट एक यूजुअली 1 से 3 दिन में आपको दुनिया के किसी भी कोने में आपका कंसाइनमेंट पहुंच सकता है, तो इसके हाई स्पीड है। ठीक है, दूसरा कि रिलायबल है ये बायर लाइन। ठीक, थर्ड आता आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में कैसा होता है, आपका स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है आपका, आपके कार्गो के ऊपर। ठीक, और चोरी होने का या तो डैमेज होने के चांसेस थोड़े से कम है। उसके बाद आपका कवरेज, आप दुनिया के किसी में भी, मतलब जहाँ पे सी पोर्ट भी ना हो, वहाँ पे आपको मल्टी, लाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा, वहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे करो,
फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वहाँ से लोकल में भी आपका बाय एयर पे जा सकता है। ठीक, इसके अलावा आपका सर्विसेज पंक्चुअल है डेली बेसिस पे, या तो एक दिन छोड़ के डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज कि आपको सर्विसेज जल्दी मिलती है। कंट्री में कैसे कैसे वीकली दो जाता है, तीन जाता है, तो एयरलाइंस का आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो या तो एक दिन छोड़ के भी। अब इसका सबसे डिसएडवांटेज क्या आता है कि इसकी कॉस्ट बहुत लगती है। अभी कॉस्ट कितने टाइम होती है, अगर आप कंपेयर करोगे शिपिंग लाइन से एयरलाइन के बीच में, तो एयरलाइन का हमेशा 12 से 16 टाइम्स एक्स्ट्रा महंगा होता है। तो आप ये देखना कि आप कौन से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, और वो प्रोडक्ट अगर बाय एयर भेजने के बाद भी आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। इसलिए एयरलाइंस के हम जब भी प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हो तो देखते हैं कि मुझे या वाया शिपमेंट भेजना है, वाया सी भेजना है या वाया एयर भेजना है। तो एक कॉस्ट है कि 12 से 16 टाइम इसका महंगा होता है। दूसरा होता है क्लाइमेट कंडीशंस। सपोज करो आपने एक कंसाइनमेंट आपको मान लो US भेजना है, और आपको मान लो वाया दुबई जाने वाला है, तो आपका दुबई का फ्लाइट भी बुक है और इंडिया से, सपोज करो इंडिया में बारिश के कारण फ्लाइट डिले हो गया, बट दुबई का तो निकल गया ना आगे, तो आपका कंसाइनमेंट वहाँ पे रुक सकता है। तो एक ये डिसएडवांटेज है कि क्लाइमेट के कारण फ्लाइट डिले हो गया या बाकी की चीज़ें। अब एयर एक्सपोर्ट का फ्लो कैसे होता है, सबसे पहले आपको ना प्लान करना पड़ता है कि शिपमेंट का एक्सपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें करने का। सेकेंड पॉइंट आता है आपको कि कैलकुलेट करो कि आपको कौन कौन से कितना वेट है, सारी वो चीज़ों के ऊपर डिटेल्स में काम करो। थर्ड आता है कि आपको बुकिंग विथ एयर फ्रेट सर्विसेज जो करते हैं ना, उनके साथ बुकिंग करना आपको कि मुझे इस डेट का इतने इतने वॉल्यूम के इतने इतने चीज़ें के वो करो, वो आपको कोटेशन दे देंगे। देन फोर्थ पॉइंट आता है आपका कि उसके बाद एयरवे बिल प्रिपेयर होता है। फिफ्थ आता है आपका बुकिंग कंफर्मेशन, ठीक है, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस तक वगैरह सारा भेजना। उसके बाद आता है सिक्स पॉइंट आता है आपका कस्टम क्लियरेंस एट ओरिजिनल प्लेस, जहाँ से आप भेज रहे हो वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होगा। सेवन लोडिंग एंड स्टोइंग टू ऑफ कार्गो होगा आपका, ठीक है। एट होता है अनलोडिंग ऑफ कार्गो, जहाँ पे उस पोर्ट पे पहुंचेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट पे। नाइन्थ पॉइंट आता है आपका कि कस्टम क्लियरेंस होगा उस कंट्री में, और टेंथ आता है आपका डिलीवरी आपके कस्टमर को हो जाएगा। अब ये होने के बाद एडिशनल चार्जेस कौन कौन से लगते हैं जब भी आप कोटेशन लो। सबसे पहले आता है कि फ्यूल सरचार्ज करके आता है, ये तब मिलता है आपको जब पेट्रोल के प्राइजेस फ्लक्चुएट वे पे वो होता है, मतलब मूव होते हैं, तो इसके ऊपर आपका 19-20 का फर्क आ सकता है कोटेशन में, डिपेंडिंग ऑन जैसे वॉर हो गया या किसी भी एकदम हाइक हो गया पेट्रोल के इसमें वो। सेकेंड आता है आपका सिक्योरिटी चार्जेस। सिक्योरिटी चार्जेस में क्या आता है, ड्यूरिंग आपका स्क्रीनिंग और हैंडलिंग टाइम होता है ना, तो उसे बोलते हैं आपका सिक्योरिटी चार्जेस। थर्ड आता है आपका वेयर हाउसेज चार्जेस, जो आप टेम्प्रेरी बेसिस पे स्टोर करने वाले हो। फोर्थ आता है आपका टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस। फिर आता है आपका एयरपोर्ट ट्रांसफर फी, जो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट और या तो एयरलाइंस अदर एयरलाइंस के ऊपर मूव करने के कंसाइनमेंट, उसके चार्जेस आता है। एक आता है डॉक्यूमेंटेशन फीस, आपका कस्टम ब्रोकरेज आप जिसके थ्रू करवा रहे हो। एक होता है डेंजरस गुड्स के चार्जेस, इनकेस हैजर्डस गुड्स है तो डेंजरस। देन आता है आपका कार्गो का इंश्योरेंस कर रहे हो उसके ऊपर। फिर पिक एंड डिलीवरी चार्जेस, ठीक है, एसेसोरियल चार्जेस आता है, ये इसमें आएंगे। और डिमेरिजेस फी होता है, या तो पर डे के हिसाब से आप क्या क्या स्पेसेस एयरलाइन की यूज़ कर रहे हो उसके इसमें। अब इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट आता है, सबसे पहले आता है आपका एयरवे बिल मिलेगा आपको, एयरवे बिल रिक्वायर्ड होता है, आपका कॉमर्शियल इनवॉइस, आपका शिपर्स लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अगर आपके बायर ने कहा है कि इस हिसाब से आना चाहिए तो अगर वो चीज़ लगेगा, या तो टर्मिनल चार्ज चलान लगता है, डिलीवरी ऑर्डर आता है आपका, एंड गेट पास आती है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ एयर कार्गो, एक होता है जनरल कार्गो आता है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, क्लोथिंग, आपका टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल, हार्डवेयर, मशीनरी और अदर काइंड ऑफ रिटेल स्टफ आता है। सेकेंड आता है स्पेशल कार्गो, इसमें कौन सी होती है, जब आपका क्लाइमेट और टेम्परेचर के हिसाब से कोई प्रोडक्ट हुआ तो काइंड ऑफ आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या तो फार्म्स के प्रोडक्ट्स, ये हो गया। फिर आप ऑर्गन ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, या तो आपका सैंपल्स होते हैं, टिश्यू सैंपल्स वगैरह, या तो डेंजरस गुड्स हो गया। एक होता है ओवर डायमेंशन, जहाँ पे आपकी बोट्स होगी, हेवी मशीनरी व्हीकल्स, ये ठीक। एक प्रोजेक्ट कार्गो होता है, और आपका एक होता है कार्गो एयरक्राफ्ट ओनली। अब इसके अलावा कौन कौन से आइटम आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सबसे पहले आता है आपका एक्सप्लोजिव्स, जिसमें आपका आता है फायरवर्क्स हो गया, डिटोनेटिंग फ्यूजेस आ गया। फिर उसके बाद गैसेस हो गए, जिसमें आपकी ड्राई आइस होगी, है ना, गैस लाइटर्स हो गया, एरोसोल्स हो गया, सिलेंडर्स हो गया, आप ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। थर्ड आता है उसका फ्लेमेबल लिक्विड्स, जिसमें आपका पेंट, अल्कोहल, है ना, इंसेक्ट स्प्रे हो गया, पेंट थिनर हो गया। फिर आता है टॉक्सिक्स आइटम्स, जिसमें पेस्टिसाइड्स वाले जो कोई ऐसा कुछ है उसमें वो बैन है। कोरोसिव में आपके बैटरीज आ गया, और इन्फेक्शन आइटम्स में आपका आ गया मेडिकल वेस्ट।
तो ये चीज़ें आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आई होप इस वीडियो में थोड़ा सा तो आपको कुछ नया समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, सो दैट मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का 1-to-1 सेशन होते हैं। इफ़ समवन वांट टू ज्वाइन, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एग्जैक्टली क्या सीखने वाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट डे।